यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार काफी रिलेटिवली आसान पेपर था, तो होपफुल हूँ कि अच्छा कौन ही सा गया। अटेम्प्ट आपका? मेरा सिक्स अटेम्प्ट था। सिक्स अटेम्प्ट। ओके, 5 अटेम्प्ट में के पहले क्या चल रहा है मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ यूपीएससी का? जी, हाँ, मतलब लेकिन फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स से रह गया हूँ मैं। क्या आपने सिक्स अटेम्प्ट दिया, कितने बार प्रीलिम्स क्रैक किया? 5 टाइम्स 5 टाइम्स प्रीलिम्स क्रैक। जी। जी, तो सर प्रीलिम्स क्रैक करते हैं। ये 36 क्वेश्चन है, गंगा रिवर से पूछा गया है। जी, ये मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया क्योंकि जो ऑप्शन है काफी क्लोज हैं, इसलिए मैंने अवॉइड किया। 37 क्वेश्चन अगेन थोड़ा इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड मैप से बहुत क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस और थे, इजी इकोनॉमी थे। से इकोनॉमी कैसा से थे क्वेश्चंस लेकिन इतने ज्यादा, गया आपका? मतलब अच्छा गया है। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ, सगौली से। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला तो पहला अटेम्प्ट था। कौन से क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत हुई, परेशानी में हुई? मुझे लग रहा है करंट अफेयर में हुई है मुझे थोड़ी बहुत। और इकोनॉमी में, इकोनॉमी मुश्किल है तो कुछ, ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी इजी तो थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए? पॉलिटी से आए थे। पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद आ रहा है उसमें दिक्कत हुई? आई थिंक मुझे एक अमेंडमेंट एक्ट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था कि लैंग्वेजेस का थोड़ा इशू आ रहा था कि ये लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई, तो ये था वो बस। क्वेश्चन आप दिखा सकते हो स्टूडेंट को, मदद मिलेगी अगर आपको थोड़ा पता होगा। एक मिनट अच्छा, दिखा दीजिए आप वो क्वेश्चन, मैम आपको दिखाने की कोशिश कर मेरा रहे हैं। 71st अमेंडमेंट 1992 वाला, इसमें आपको दिक्कत? हाँ। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों, आज शाम 5 बजे अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे, 5 बजे शाम को आपके जो भी डाउट है, जैसे इनको अभी पॉलिटी की समझ में नहीं आ रही, तो अरोरा सर से आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं शाम को 5 बजे। और इंडिया के टॉप बेहतरीन जो टॉपर्स है वो हमेशा इनकी फैकल्टी से पढ़ते हैं। शाम को 5 बजे अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है और साथ ही में कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया। इस सेमिनार को भूलना मत क्योंकि वहाँ पे एक एक्यूरेट यूपीएससी प्रीलिम्स का एक्यूरेट आंसर मिलेंगे आपको वहाँ पे, और अपने आप मिलान कर पाओगे कितना आपका स्कोर जा रहा है। तो कैसा हुआ आपका प्रीलिम्स? ठीक ठीक हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैम, कौन से क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगे इस बार, क्या? मतलब ये है कि बैलेंस है, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ हैं। पूरा पेपर कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता है और इतना टाइम भी सफिशिएंट नहीं होता। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन टारगेट था कि मैं कम ही अटेम्प्ट करूँ। ऑल दो ये रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से काफी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब काफी सॉरी कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, जो 10 ईयर्स होता है उसमें आपने रट गया है। जी, रटना वर्ड तो सही नहीं रहेगा, लेकिन मैंने उसे देखा है एक बार, ऊपर ऊपर से देखा था बेनिफिशियली, तो उसमें से आए हैं कुछ क्वेश्चन। क्वालिटी के लिए कैसे कुछ लगा? पॉलिटी का था, लेवल टफ था और मैंने काफी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पॉलिटी में से। ये है कि वेटेज डिफरेंस, ज्योग्राफी में उतना वेटेज नहीं रहा है, तो ये एनवायरनमेंट को उतना वेटेज नहीं रहा एग्जाम में, तो ये चीज है। आपने जहाँ से पढ़ा, जो आपने सोर्सेज फॉलो की, क्या वहाँ से हकीकत में क्वेश्चन आया है क्या? उसमें से आती हैं कुछ चीजें आती हैं, जैसे मैं पर्सनली बाजीराम इंस्टीट्यूट से हूँ, तो जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन बने हैं। अभी एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है उन्होंने कितना थरली पढ़ा हुआ है चीजों को। ऑल दो मेरा एग्जाम मैंने दिया तो कौन एक किया था कि फियर होता है एग्जाम देने का, तो वो हट गया है फर्स्ट अटेम्प्ट से, बट मैं खुश हूँ एग्जाम देकर। स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कतराते हैं, थोड़ा डर जाते हैं कि क्या वजह है? वो नेचुरल है डरने का, इतना बड़ा एग्जाम है, इतने बड़े लेवल पे है, इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, एक एक्सपेक्टेशंस होती है क्योंकि आपने मेहनत बहुत की होती है और हर किसी की एक बैक स्टोरी होती है, तो डरना एकदम नेचुरल है, तो लेकिन वो देने के बाद डर अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस लगे आपको? वो लगता है वो भी ऐसा है, करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें आउट ऑफ क्वेश्चंस लगती हैं। यूपीएससी का मतलब ही यही है कि वो थोड़ा आउट ऑफ आपको लेवल लगता है या आउट ऑफ सिलेबस लगता है। जब आपने हॉल में एंटर किया, पेपर खोला उसको, उस समय कैसा था और लास्ट में कैसा था? क्योंकि जब आपको लगा होगा ये नहीं, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में आप 68 क्वेश्चन करके आए, वो कैसे हो रहा? स्टार्टिंग में ये था फ्लो बन रहा था, लेकिन उसके बाद लास्ट में जाते जाते बीच में था डिफिकल्टी का लेवल, लास्ट में भी ये था कि कुछ क्वेश्चन, मतलब ये कि अब छोड़ना ही उन्हें बेहतर था, तो लेवल लास्ट में ही बढ़ा एक्चुअली। तो न्यू एस्पिरेंट जो देंगे अगली बार, क्या बोलोगे आप उनको? मैं यही कहूंगी कि डरने का नहीं होता है, थरोली पढ़ोगे तो लिटरली होने के चांसेस हैं, बस पॉजिटिव रहना और PYQ जरूर देखना। PYQ हमेशा देखना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, हेलो हेलो, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा गया। हाँ जी, पेपर इस बार का पेपर बहुत इजी था पिछले बार के मुकाबले, और काफी टफनेस लेवल भी काफी कम था, और ओवरऑल बहुत इजी पेपर था लास्ट के मुकाबले। और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे इस बार जो, और बहुत इजी क्वेश्चंस भी दे रखे थे उन्होंने, उतना टफ क्वेश्चन भी नहीं था, और ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अगर आप डे टू डे कनेक्टेड हो न्यूज़ से, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और बुकिश नॉलेज बहुत कम था इस बार का, और थोड़ा इसमें ट्रिक भी लगाना था थोड़ा बहुत, मतलब ऑप्शन थोड़ा इन्होंने ट्रिक दे रखे थे, और कुछ में तीन तीन एक नया इन्होंने पैटर्न स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इन्होंने स्टेटमेंट को चेंज करके
मतलब आप जैसे कि पहला स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो और फिर उसको कंक्लूड करके आपको स्टेटमेंट ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे रखे थे इन्होंने। तो अंदर कुछ यूपीएससी ने ऐसा कुछ एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर लगा, फील हुआ? नहीं, प्रेशर कोई फील नहीं हुआ क्योंकि पेपर इजी था, ठीक है ना। तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे उतना कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ, और पेपर प्रेशर फील करने लायक था भी नहीं, इजी ओवरऑल इजी ही था। दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ? नहीं हुआ था। क्या वजह है सर? ऐसे सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया अपने आप को और कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, उसके वजह से टीचर्स ने काफी हेल्प की मेरी तो मेरा हो गया, मतलब इस बार चांसेस है बहुत ज्यादा। इस बार आपको लगता है कि आपका हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स? प्रीलिम्स हो जाना चाहिए इस बार, मैंने किया हुआ इस बार तो। हाँ जी। कितने घंटा पढ़ा सर आप? सर मैं दिन के मिनिमम 9 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ता था सर। हाँ। मैं अपने निकाल के। तो अभी आपका सी सेट है, कुछ समय में आपका सी सेट है, तो क्या प्लानिंग, अभी क्या करोगे, क्या प्लानिंग रहेगी? अभी सर प्लानिंग कुछ नहीं, बस पुराने नोट्स रिवाइज करूंगा, फॉर्मुलाज रिवाइज करूंगा और कुछ क्वेश्चंस देख लूंगा, जो मेरे वीक पोर्शन है वो मैं देख लूंगा। अभी 2 घंटे जो टाइम बचे हुए हैं। शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं? हाँ जी, मैंने बैग में रखा हुआ है शॉर्ट नोट। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं लगता है सी सेट में या जीएस में? जीएस में। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं थे सर, मतलब बुक किस नॉलेज कम था और करंट अफेयर्स ज्यादा थे, आपको अवेयर होना चाहिए करंट अफेयर्स से, तो उससे क्वेश्चंस थे सर। जैसे कि रिसेंटली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन कौन से रीजन में अभी अनस्टेबिलिटी हो रही है, अफ्रीका के रीजन में, और बस यही सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। आपने जहाँ ऐसा जहाँ से पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आया है क्या? हाँ जी सर, मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया तो टेस्ट सीरीज के सर बहुत सारे सवाल होते हैं जो मुझे ऑप्शंस में दिख रहे थे, वो ऑप्शंस हैं और वो गलत है, ऐसा ही वो मुझे सर एनालिसिस में कर पा रहा था, तो ऐसा था सर। सर क्या बोलोगे लास्ट में और कुछ बोलना है? बस सर मैं यही बोलूंगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है यूपीएससी के लिए, है ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है और करंट अफेयर से भी कनेक्टेड रहना है और बस, और जो डे टू डे वर्ल्ड में हो रहा है उस पर भी आपको नजर रखनी है सर, यही है सर। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं सर, बस। थैंक यू सर। थैंक यू। यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार काफी रिलेटिवली आसान पेपर था, तो होपफुल हूँ कि अच्छा ही गया। अटेम्प्ट आपका? मेरा 6th अटेम्प्ट था। 6th अटेम्प्ट। ओके। 5 अटेम्प्ट में पहले क्या था? मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ यूपीएससी। जी हाँ, मतलब लेकिन फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स रह गया था। क्या वजह रही होगी? मतलब मेंस में ही मार्क्स कम रह गए। तो आपने 6 अटेम्प्ट दिया, कितने बार प्रीलिम्स क्रैक किया? 5 times। 5 times प्रीलिम्स क्रैक। जी। तो सर प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो आज जो पैटर्न था बदला है या फिर क्या सर बोला था वो? जो पहले पैटर्न आया करता था 2019-2020 में एलिमिनेशन वाला, वो पैटर्न वापस इस साल आया है, तो उससे देखा जाए तो पेपर काफी इजी हो गया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी इजी था। इजी था जी। सर आप 5 बार प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हो। जी सर, क्या रणनीति, कितने क्वेश्चन अटेंड करते हो? आपका फिक्स पैटर्न रहता है कि इतने क्वेश्चन अटेंड करने, क्वालिटी में इतने, इकोनॉमी बुक में, क्या वो सिनेरियो रहता है आपका? थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को बताइए। मेरा जो रहता है कि अराउंड 85-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और पॉलिटी इकोनॉमी में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि वो रिलेटिवली इजी टॉपिक्स हैं, और जो एनवायरनमेंट पोर्शन है वो थोड़ा टफ आता है, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा नेगेटिव ना हो, इसलिए उनको मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, तो यही पैटर्न है। आज जो ऐसे कोई क्वेश्चन लगे जो आउट ऑफ सिलेबस थे? आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई क्वेश्चन था, लेकिन एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते ही हैं, तो इस साल भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े डिफिकल्ट। ऐसे कोई क्वेश्चन है जो पेपर है आपके पास, स्टूडेंट को बताएंगे एनवायरनमेंट में, जो मतलब स्टूडेंट्स को वास्तव में देखेंगे ना तो मदद मिलेगी? बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले कई टाइम से तैयारी कर रहे हैं मगर समझ में नहीं आता क्या चीज़ है क्या नहीं, हकीकत क्या है। तो अभी हम लोग सर आपको पेपर दिखेंगे एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो सर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि 5 बार इन्होंने यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक कर रखा है, 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, तो सारी चीजें इन्होंने बहुत ही करीबी से देखा है। अभी क्वेश्चन सर आप बोल के बताइए क्या? जैसे सेट बी में क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है इसमें से कौन सा पैरासिटॉइड स्पीशी है, और जो ऑप्शन है वो भी only 2, only 3 वाले टाइप में है, तो इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जी, तो थोड़ा आपको इसमें अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। जी, और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे जी, इसमें भी कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें से पीस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये भी जनरली स्टैंडर्ड बुक्स या करंट अफेयर हम नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको ये अटेम्प्ट करना है तो आपको थोड़ा गैस वर्क करना पड़ेगा। जी, और अगेन ये क्वेश्चन नंबर 30 ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा गया है, इसमें भी फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा गया है कि वो वुमन कैटेगरी में बिलोंग करता है नहीं करता, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो लेकिन ये इन दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन काफी इजी है, और ये 33 क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, 34 अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन जो है हम सेट बी की बात कर रहे हैं, जो 35 क्वेश्चन है ये मैपिंग का क्वेश्चन है,
इसमें कोकोआ प्रोड्यूसर पूछे गए हैं, तो थोड़ा अगर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये 36 क्वेश्चन है, गंगा रिवर से पूछा गया है जी। ये मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया क्योंकि जो ऑप्शन है काफी क्लोज हैं, इसलिए मैंने अवॉइड किया। 37 क्वेश्चन अगेन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, अगेन 38 क्वेश्चन नॉर्थ सी, ये काफी न्यूज में था ये रीजन, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। और 39 क्वेश्चन, ये इसमें तीन चीजें पूछी गई हैं, वाटरफॉल, रीजन और रिवर जी। इस क्वेश्चन को आपको अटेंड करने के लिए काफी नॉलेज होनी चाहिए जी, सो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया था। अगेन 40th क्वेश्चन सेम, इसमें तीन चीजें पूछी गई हैं, इसमें भी तीन चीजें पूछी गई हैं, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको अगेन नॉलेज चाहिए काफी। फिर ये स्पीशीज का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो तीन नाम बता रखे हैं, सिसियाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, ये क्या है, बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो इसमें मुझे दो ऑप्शन में डाउट था, तो मैंने 50-50% देखने के चक्कर में अटेम्प्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। 42 क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन अगेन एनवायरनमेंट से है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जनरली ये स्पीशीज न्यूज में भी नहीं रहती, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। फिर ये 45th क्वेश्चन, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम था, जो चीता लाए गए थे साउथ अफ्रीका से, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज होगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन ये 47th क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, इजी क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन अगेन स्पीशीज का है, फिग, महुआ, सैंडलवुड और सिल्क कॉटन। 49th क्वेश्चन की बात करें, अगेन स्पीशीज का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन कौन सी पॉइजनस स्पीशीज हैं, बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग। ये मेरे ख्याल से थोड़ा कॉमन नॉलेज से हो सकता है, क्योंकि जो स्पीशीज हैं वो ब्रॉड स्पीशीज दी हुई हैं, इसमें काफ़ी सब कैटेगरी होंगी, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एक फिश तो पॉइजनस हो ही सकती है, कोई ना कोई फ्रॉग तो पॉइजनस हो ही सकता है, कोई ना कोई बटरफ्लाई तो पॉइजनस हो ही सकती है, तो अगर वो वाले नॉलेज यूज करेंगे तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हो आप। 50th क्वेश्चन अगेन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट कहेंगे इसे। फिर ये IR से क्वेश्चन है, साहेल रीजन के बारे में पूछा गया है, ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले एक दो सालों में, लास्ट ईयर भी इसके अराउंड एक क्वेश्चन गया था, इस साल भी एक क्वेश्चन आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। फिर ये अगेन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें GM क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है, सेकंड स्टेटमेंट, ये मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। फिर अब 53 से स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, लोकसभा का स्पीकर का सिंपल क्वेश्चन, ये लोकसभा और राज्यसभा का सिंपल क्वेश्चन, ये डायरेक्टली आप अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जी सर। अगेन 55th क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन ये करंट अफेयर बेस्ड था, इसमें आपको थोड़ा अगर गैस वर्क करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। 57th क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन, वेनेजुएला काफ़ी न्यूज़ में था और सबको पता ही होता है कि वेनेजुएला में जो ऑयल रिजर्व हैं हाइएस्ट हैं इन द वर्ल्ड जी। 58th क्वेश्चन अगेन गवर्नेंस क्वेश्चन, इसमें भी अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जी। 59th क्वेश्चन एक स्कीम्स के ऊपर है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी अगर आपको स्कीम, ये स्कीम काफी न्यूज में रहती है, अगर आपने थोड़ा इसके बारे में करंट अफेयर्स या मंथली मैगजीन में अगर पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 60th क्वेश्चन अगेन काफी ये स्कीम न्यूज में थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, तो ये भी अगर इसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 61st क्वेश्चन, ये जो वुमेन को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन था, काफ़ी न्यूज़ में था ये, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ऐसे क्वेश्चन जनरली UPSC में नहीं आते हैं जी। देखा जाए अगर आप पिछले पेपर देखेंगे 2018 2017 उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो ट्रेंड इन्होंने वापस इस साल रिपीट किया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन काफी इजी, डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। 64th डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। 65th डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। 66th, ये ऐसे क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता है जनरली, कि बुक का नाम दे दिया और उसका ऑथर पूछा है, तो अगर आपने आपको कहीं पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आपको स्किप करना पड़ेगा। 67th क्वेश्चन अगेन, ये अर्जेंटीना, सूडान, टर्की, ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। 68th क्वेश्चन, ये जनरली न्यूज में नहीं रहता है, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। रेड सी अगेन काफी न्यूज में था,
यहाँ से हमारी ऑयल शिपमेंट्स आती हैं, तो अभी देखा गया था रेड सी एरिया में जो पायरेट्स हैं वो अटैक कर रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मेटल्स जो हैं ओर से निकलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सल्फर होता है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। 71st क्वेश्चन, इसको आप पॉलिटी में भी काउंट कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं। ये 1946-47 वाले एरिया से पूछा गया है, आपको अगर फैक्ट पता होगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। 72nd क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पूछा गया है, इजी क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन, अगेन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसमें ये जो बुक दी गई हैं काव्य अलंकारा, नाट्यशास्त्र, महाभाष्या, ये जनरली दो तीन बुक बच्चे पढ़ते हैं, बाकियों का आइडिया नहीं होता, तो इसमें मैंने तो 50-50 के हिसाब से अटेम्प्ट किया है। मुझे ए और सी में कन्फ्यूजन था तो मैंने ए अटेम्प्ट किया है इसमें। 74th क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन, ये सागाबुटी, ये बुद्धिस्ट मॉन्क ईसाई ना गए थे, तो ये इनकी बुक है विशुद्धि मग्गा, ये काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड बुक दिया रहता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ये इसमें शांति निकेतन है, वो अब मुझे डाउटफुल था कि हो सकता है नहीं, तो अगेन 50-50% रिस्क लेने के चक्कर में मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जनरली आप पेपर में आपको कम ही क्वेश्चन होंगे जिसका आपको 100% आंसर पता होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो ये उनमें से क्वेश्चन में था जो जिसमें मैंने रिस्क लिया है। 76th क्वेश्चन पॉलिटी का, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। 77th क्वेश्चन, ये थोड़ा एलिमिनेशन इसमें आप यूज़ कर सकते हो, नाइजीरिया है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ग्रोइंग है। इसमें पूछा गया है कौन सी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो नाइजीरिया को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अगर नाइजीरिया को आपने एलिमिनेट कर दिया तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसमें आपको थोड़ा अगर नॉलेज होगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 78 अगेन फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो देखा जाए तो इस साल लक्ष्मीकांत से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, इसका जनरली लोग बच्चों को आइडिया नहीं होता क्योंकि ये बुक्स में भी गिवन नहीं होता, अगेन मैंने तो स्किप किया है इसको। 80th क्वेश्चन, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 इजी क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डेप्ट है उसका पैटर्न पूछा गया है, जनरली आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 82 इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसे मॉडरेट कहेंगे, अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ये डिजिटल करेंसी, ये काफ़ी न्यूज़ में था दो साल में, RBI ने अभी लॉन्च किया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको तो हर किसी ने अटेम्प्ट किया ही होगा। UPSC का एक क्वेश्चन रहता है कि बुद्धा या जैनिज्म में से हर साल पूछते ही हैं, इस साल उन्होंने वापस गौतम बुद्धा से पूछा है। मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था कि ये ऑप्शन ठीक हो सकते हैं नहीं, इसलिए मैंने स्किप किया है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इजीली अटेम्प्ट कर सकता है इसको। 85th क्वेश्चन, अगेन टफ क्वेश्चन है ये, जो हिस्ट्री ऑप्शनल है वही कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पाएगा इसको। 86th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, ये लक्ष्मीकांत में गिवन इफेक्ट है। 87th क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन। 88th अगेन इजी क्वेश्चन, उपनिषद और अपरान के बारे में पूछा गया है। 89th अगेन IR बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी अगर आप ऑप्शन 2 इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन 1 के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्यों इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन ये न्यूज़ में था काफ़ी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन आ रहा है, कुंभ मेला और छाव डांस, तो देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन सही है, मैंने छाव डांस को मारा है। डिलिमिटेशन कमीशन, ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया कि अभी तक कितने डिलिमिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किए हैं। 92nd क्वेश्चन, ये लैंग्वेजेस क्वेश्चन था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करोगे तो इजीली हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको पॉलिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा एलिमिनेशन यूज़ करोगे तो आप आंसर इसे सॉल्व कर सकते हो। 94th क्वेश्चन, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, वेरी इजी। 95th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने 7th शेड्यूल पढ़ा है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। 96th, इट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर, राइट टू प्राइवेसी हर कोई पढ़ता ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। 97 अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, CDS के बारे में पूछा गया, इसकी क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 98th क्वेश्चन, अगेन ये मॉडरेट कहेंगे, ये जनरली बुक्स में नहीं दिया रहता और करंट अफेयर्स में भी इतना कवर नहीं होता है। 99th अगेन GK क्वेश्चन, यू कैन से जनरली लोगों का आइडिया रहता ही है। 100th अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो देखेंगे अगर आप पेपर को तो लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आए गए हैं,
तो अगर किसी ने भी अगर किसी का भी स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छा है तो इजीली ही कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस पेपर। ओके, तो सर आपको लगा कि आपने पूरे क्वेश्चंस अटेंड किए 90 प्लस 93 आई अटेंड बट 93 को हमेशा 93 अटेंड आई ट्राई टू मेंटेन बिटवीन 85 to 95। जी जी, तो इस साल भी वही। ओके ओके सर, तो आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप कुछ और लास्ट में अपने एस्पिरेंट को बोलेंगे, क्योंकि आपने दो बार इंटरव्यू भी दिए और 5 बार प्रीलिम्स के मेंस ले गए सर, क्या थोड़ा बहुत अगर आप कुछ बोलोगे? मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप जो अपने क्लास नोट्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गई, इकोनॉमी की रमेश सिंह हो गई, इन पर ज़्यादा फोकस करिए। जो जो ये अलग अलग कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज होती हैं, इस पर ज़्यादा आप टाइम अपना वेस्ट मत करिए। अगर आप जितना आपका स्टैटिक पोर्शन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपको अल्टीमेटली वही हेल्प करेगा। तो मेरे तो यही एडवाइस रहेगी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज शाम 5 बजे देश के सबसे बेहतरीन फैकल्टी के UPSC CSE प्रीलिम्स एनालिसिस को अटेंड कीजिए अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप अपने UPSC के जितने भी सारे क्वेश्चंस और क्यूरीज है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।